वेलकम बैक बच्चो चैनल पी एन सी अड्डा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका कन्वर्जन ऑफ गैलवेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर तो कैसे हम एक गैलवेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ़ अमीटर एंड वोल्टमीटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें बात कर लेते हैं आपका गैल्वेनोमीटर के बारे में गैल्वेनोमीटर क्या है ये एक ऐसा डिवाइस है बच्चों गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली आपका मेजर करता है बहुत ही स्मॉल बहुत छोटा 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 छोट ऐसा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट मेजर करता है तो ऐसा डिवाइस है बेसिकली जैसे आपका ये गेलवेनोमीटर है तो ये आपका डिवाइस है इसमें एक आपके नेडल लगी रहती है तो दिस इज एट द जीरो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपकी रीडिंग होती है जीरो और यहाँ पे कुछ रीडिंग आपके करंट की यहाँ पे इधर को होती है ऑन द राइट साइड और कुछ होती है आपके लेफ्ट साइड में तो ये नेडल बेसिकली आपके डिफ्लेक्ट करती है राइट साइड आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड को तो गैलवेनोमीटर आपका वो इंस्ट्रूमेंट है या वो डिवाइस है जो आपका मेजर करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरली माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर के आसपास की रेंज का जो करंट है ये इसी को मेजर कर पाता है हाई करंट अगर आप देंगे तो एलवनोमीटर आपका खराब हो सकता है इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो जाता है एलवेनो तो हाई करंट ये मेजर नहीं कर पाएगा तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही मेजर करता है वहीं अगर दूसरी तरफ आपको अगर हायर वैल्यू अगर ज्यादा करंट आपको मेजर करना है एम्पियर का करंट मेजर करना है तीन एम्पियर चार एम्पियर पांच एम्पियर दस एम्पियर एंड सोवन अगर आपने हायर वैल्यू ऑफ करंट मेजर करनी है तो उसके पास आपके पास एक दूसरा डिवाइस होता है दैट इज योर अमीटर तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर लगभग लगभग देखने में एक जैसे होते हैं आपके पास डिवाइस आपके सेम एक जैसे दिखते हैं बस आपको अमीटर में आपका ए लिखा होता है गेलवेनोमीटर में आपका जी लिखा होता है तो आप ऐसे डिफाइन करते हैं बेसिकली आपकी डिवाइस तीनों सेम ही होते हैं गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्ट आपको सेम दिखेंगे बस गैल्वेनोमीटर में जी लिखा होगा आपके लिए अमीटर में आपको ए करके लिखा रहता है और वोल्ट मीटर भी सिमिलरली आपका ऐसी गोल शेप में होता है उसमें भी आपका वोल्ट मीटर लिखा होता है बस तो सिमिलरली अगर हम बात करें एमीटर की तो इसमें भी आपके पास एक निडल होती है जो कि डिफ्लेक्ट करती है तो सेंटर पे वही जीरो करंट और इधर को आपके एम्पियर्स में करंट होते हैं तो अगर आपके निडल दस इधर साइड को है तो इस मीन्स करंट इज इन और दिस साइड आपका राइट right साइड को करंट है अगर लेफ्ट साइड को निडल है तो डैट मीन्स आपका करंट इज ऑन लेफ्ट साइड तो अगर हायर वैल्यू ऑफ़ करंट आपको मेजर करना है एक दो तीन चार पाँच छः अब दस पंद्रह जितना भी एम्पियर अगर आप करंट फ्लो कर मेजर करते हैं तो आप मेजर करते हैं उस, उसको विद दिस डिवाइस दैट इज़ नोन एज योर अ वहीं आपके पास जो तीसरा डिवाइस होता है बचो दट इस वोल्ट मीटर अगला डिवाइस है आपके पास वोल्ट मीटर तो ये वोल्ट मीटर आपका मेजर करता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस तो ये काम आता है पोटेंशियल डिफरेंस में इसमें भी आपकी निडल है जो डिफ्लेक्ट करती है इस साइड को और इस साइड को डिफ्लेक्ट करती है सेंटर पर जीरो पोटेंशियल निडल जीरो पोटेंशियल कह सकते हैं हम उस पॉइंट पर तो वोल्ट मीटर का काम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दो बेसिकली तीनों आपके सेम दिखते हैं आपका डिफरेंस है कि अमीटर अगर ए है ए स्टैंड्स फॉर अमीटर जी स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर एंड बी स्टैंड्स फॉर दी वोट्ट मीटर दूसरी बात यह कि अगर हमें इनका कनेक्शन देखना है कौन कैसे कनेक्ट होता है अगर मैं अमीटर की बात करूं और वोल्टमीटर की बात करूं तो अमीटर हमेशा आपका कनेक्ट होता है इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद दी रजिस्टर वहीं अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूँ तो वोल्टमीटर को आप कनेक्ट करते हैं बच्चों इन दी पैरल कॉम्बिनेशन आप कनेक्ट करते हैं इसको पैरल में तो दिस इज योर पैरल कॉम्बिनेशन फॉर दी वोल्टमीटर आप वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जबकि अमीटर को आप करते हैं इन दी सीरीज़ कॉम्बिनेशन उसके बीच पे भी कारण है क्योंकि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जितना करंट है आई ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट आपका फ्लो करता है जितना इस रजिस्टर को मिलेगा करंट उतना ही आपका अमीटर को मिलेगा करंट जबकि वोल्ट मीटर में कि अगर सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इस पॉइंट में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पॉइंट से सपोज मैं कह रहा हूँ ये आई आर है करंट इन दी रजिस्टर आई आर है और ये आई वी है कनेक्ट इन दी वोल्ट मीटर तो दैट्स वाई आपका अमीटर कनेक्ट होता है इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन ना कि पहल, अगर पैल में कनेक्ट कर देंगे हम अमीटर को तो आपका करंट एग्जैक्ट करंट आपका मेजर नहीं कर पाएगा अमीटर जबकि अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं इन दी पैल कॉम्बिनेशन क्योंकि हमने पढ़ा है पैलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं आपका रहेगा सेम रहेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रॉस रजिस्टर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस मेजर कर लेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है हिंदी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम है करंट का काम है भैया आपका करंट ना अपना तो करंट जहाँ सेम होगा वहीं तो ना पेगा करंट सेम है आपका यहाँ मीटर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जबकि पैलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो एक्जैक्ट पोटेंशियल आपका मेजर कर सकता है विद दी हाई एक्यूरेसी तो ये रीज़न है ये कारण है आपका सीरीज और सीरीज और पैल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का सीरीज में हम जोड़ेंगे एमीटर पैल में हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब हम ये देखेंगे इसमें कैसे हम गैलवेनोमीटर को कैसे हम एक गैलवेनोमीटर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर या एमीटर में तो पहले हम देखेंगे हालांकि इसमें हम पहले देखेंगे अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बदल सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वोल्टमीटर तो वोल्टमीटर में तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए और अमीटर में है तो करंट मेजर करने के लिए कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं तो पहले हम चर्चा करते हैं कैसे हम गैलवेनो को कनेक्ट कन्वर्ट करेंगे आपका अमीटर में तो गैलवेनो को अमीटर बनाना है हमें तो उससे पहले हम थोड़ी बहुत और जनरल चर्चा कर लेते हैं आपके अमीटर के बारे में कैसे आपका कनेक्शन हम करेंगे

वोल्टेज है आपका पचास चलो वोल्टेज आप ऐसा कर लें सौ वोल्ट का ले लें हंड्रेड वोल्ट की सप्लाई ले लें ले आप तो आप लिखेंगे हंड्रेड ओवर ट्वेंटी यानी कि करंट जो आएगा आपका पाँच एम्पेयर करंट जो आया बच्चों आपका पाँच एम्पेयर का करंट आएगा आपको यहाँ से देखेगा पाँच एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है इस सर्किट में आपका पाँच एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो ये तो आपने थियोट आपने ये बाय निकाला अब आपको उसको फील कैसे करेंगे आप करंट पाँच एम्पेयर का फ्लो कर रहा है तो इसमें आप एक डिवाइस ऐसा लगाएंगे जो कि इसको मेजर भी तो करे इस पाँच एम्पेयर को और डिवाइस लगाएंगे अब हम अमीटर क्योंकि अमीटर ही ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है मेजर करता है आपका करंट तो आपने क्या करा इसके साथ इस रजिस्टर के साथ एक अमीटर कनेक्ट कर दिया इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन विद दिस रजिस्टर ये रजिस्टर का आपके पास अभी भी बीस ओम का रजिस्टर था और सप्लाई अभी भी आपके पास सौ वोल्ट की सप्लाई थी तो अमीटर है तो अमीटर आपने कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन आप अमीटर है अमीटर डिवाइस है मतलब एक रजिस्टेंस का सोर्स है अरे अमीटर भी तो रजिस्टेंस है कोई भी डिवाइस अगर आप लगा रहे हैं तो उसके पास खुद का भी तो रजिस्टेंस होगा उसका तो ठीक भैया तो अगर मैं बात करूँ रजिस्टेंस ऑफ अमीटर की अगर मैं बात करूँ तो अगर सपोज मैं कह रहा हूँ तो आपके पास ये पाँच ओम का रजिस्टर है सपोज द रजिस्टेंस ऑफ योर अमीटर इज ऑफ फाइव ओम पाँच ओम का रजिस्टर है ठीक सही तो अगर मैं इस केस में अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूं अगर इस सर्किट में करंट निकालूं सर्किट वही है हमने अब क्या लगा दिया सिर्फ एक अमीटर लगाया है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सप्लाई अभी भी वही सौ वोल्ट की सप्लाई है तो अगर मैं करंट निकालू तो करंट निकाल तो आई इक्वल्स टू वी ओवर आर तो पहले आपको आर निकालना पड़ेगा इस केस में आर निकालना पड़ेगा तो अगर आप आर निकालें तो आर अगर आप देखेंगे ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो बीस और पांच पच्चीस तो सौ बटे पच्चीस अगर हम इसको काटेंगे तो कितना करेगा फोर एम्पेयर यानी इस बार जो करंट आया फोर एम्पेयर का करंट आया तो देखें बच्चों तो चार एम्पेयर का करंट आया आपके पास यानी इस सर्किट में इस बार जो करंट फ्लो कर रहा है चार एम्पेयर भैया खेल तो खत्म हो गया बिना मीटर के आपका जो मेजर कर रहा था दैट वॉज ऑफ फाइव एम्पेयर अब मीटर करेंट करने के बाद आपका मेजर कर रहा है चार एम्पेयर तो करंट में तो आपका क्या हुआ वेरी वेरिएशन आ गया मीटर कनेक्ट करने के बाद आपके पास करंट में तो वेरिएशन आ गया जबकि करंट तो हमने पाँच एम्पियर मेजर करने के लिए हमने लगाया था एमीटर अब एमीटर लगाने के बाद हमारा जो एमीटर मेजर करेगा जो करंट मेजर करेगा वो होगा आपका चार एम्पियर का तो भाई हमारा डिवाइस तो एक्चुअल करंट तो हमारा पाँच एम्पियर था हमारा मेजर कर रहा है चार एम्पियर तो कैसा बेकार मीटर है ना फिर ये क्योंकि इसने करंट क्या मेजर करेगा अलग चार एम्पियर करंट मेजर कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि इसके पास खुद का भी रेजिस्टेंस है क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस भी जुड़ चुका है इस बार तो अगर मैं एक अच्छे मीटर की बात करूं एक अच्छा मीटर वो है जिसका खुद का रेजिस्टेंस क्या हो कम हो जिसका खुद का रेजिस्टेंस क्या हो कम हो तो एक अच्छा मीटर वो मीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तो जितना कम होगा ये पाँच से जितना कम होगा तो देखिएगा उतना आपको एक्यूरेट पाँच के आसपास वैल्यू मिलेगी आपको करंट की या हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आपका जीरो हो जीरो की तरफ को टेंड करे या अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जीरो के आसपास जीरो पॉइंट जीरो ओम का रजिस्टर हो तो उस केस में आपको एक्यूरेटली मेजर करवाएगा करंट। तो इसी को हम बोलते हैं आइडियल अमीटर आइडियल अमीटर क्या चीज है बच्चों आइडियल अमीटर वो अमीटर है जिसका रजिस्टेंस लगभग जीरो के आसपास रहता है वो अमीटर जिसका खुद का रजिस्टेंस लगभग जीरो के आसपास रहता है उसको हम बोलते हैं आइडियल अमीटर हालांकि आपको पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आइडियल तो कुछ चीज नहीं होती ना आपके पास आइडियल कोई चीज होगी नहीं क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस तो आज तक बना नहीं जिसमें आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कम होता है हां अगर हम बिल्कुल कम कर लें ताकि इस वाले करंट में जो एक्चुअल करंट है उस पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े इसके रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे विद केस कैसे आइडियल एमीटर से तो आइडियल एमीटर जिसका एमीटर टेंस टू क्या करें इसका सॉरी रेजिस्टेंस टेंट्स टू जीरो तो वो अमीटर जिसका रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू जीरो हो उसको हम बोलते हैं आइडियल अमीटर तो अब इसको आगे देखते हैं इसको हम इरेज करते हैं तो डिफाइन करते हैं आइडियल अमीटर पहले तो आइडियल को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों आइडियल अमीटर इस डिफाइंड एज दैट अमीटर दैट अमीटर होस रेजिस्टेंस होस रेजिस्टेंस इस नियरली इक्वल टू जीरो वो रेजिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू जीरो सपोज हम कह रहे हैं आर ए इज द रेजिस्टर ऑफ अमीटर तो ये नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका जीरो के आसपास होना चाहिए तो जितना जीरो के नजदीक होगा उतना अच्छा एक्यूरेटली आपका करंट मेजर करेगा तो अब हम देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करें एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हम करते हैं हाउ टू कन्वर्ट गैलवेनो मीटर टू अटर तो इसको फिर से समझते हैं एक सर्किट के डायग्राम से हम देखेगा सपोज ये आपके पास रेजिस्टेंस आर है यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया गैलवेनो मीटर गैलवेनो मीटर का काम फिर से मैं आपको बताता हूँ ये आपका बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है ये आपके पास फिर से बैटरी है ठीक है बच्चों सपोज अगर हम कह रहे हैं कि इस बैटरी से आपका टेन एम्पियर का करंट निकला सपोज इस बैटरी से जो करंट निकला दैट इज ऑफ टेन एम्पियर तो निकला यहाँ से गया जैसे ही रजिस्टर को तो क्रॉस कर जाएगा जैसे ही गैलवे को क्रॉस करेगा क्या गैलवानो मीटर दस एमपियर करंट मेजर कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें तो उतनी दस शायद इसमें आपके मिली एमपीयर में तक का रीडिंग होती है उससे ज़्यादा तो इसमें रीडिंग होती नहीं है तो गेलवनो हो सकता है आपका ख़राब हो जाए गैलवान आपका खराब हो जाएगा या हो सकता है जल जाएगा बेसिकली हम कह सकते हैं स्वाहा ओम स्वाहा हो जाएगा इसका गैलवनो आपका ख़राब हो जाएगा जल जाएगा कुछ भी कह सकते हैं तो दस एम्पियर झेलना तो उसके लिए मुश्किल है क्योंकि ये मिली एम्पियर है माइक्रो एम्पियर करंट मेजर करता है भाई साहब तो अब इस क्वाले को कैसे कम करें करंट को कैसे कम करें आप कैसे कम कर सकते हैं अगर देखें अगर हम इसके साथ देखें एक रजिस्टर कनेक्ट कर दें एक ऐसा रजिस्टर कनेक्ट कर दें सपोज एस हम कह रहे हैं एस नाम का एक रजिस्टर कनेक्ट किया जिसका रजिस्टेंस आपके गैलवेनोमीटर के रजिस्टेंस से कम हो कंडीशन यह है कि

तो जितना ज़्यादातर करंट जितना होगा आपका यहाँ को फ्लो कर जाएगा आपका दस से तो ज़्यादातर करंट आपका शंट से पास कर जो एस वाला मैंने डिनोट करा बेसिकली हम इसको हम बोलते हैं शंट शंट क्या है आपके पास लो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट तो ये आपका करंट आपका शंट की तरफ को डाइवर्ट हो जाएगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपका नाइन नाइन्टी या नाइन्टी फाइव परसेंट करेंट आपका शंट से पास हो जाएगा और जो पचा आपके पास फाइव परसेंट ये आपका थ्री परसेंट फोर परसेंट करेंट आपका कैलोनोमीटर से पास होगा तो बच जाएगा गैल्वेनोमीटर फूकने से बच जाए बच जाएगा यानी स्वाहा होने से बच जाएगा क्योंकि तो करंट कम करंट मिलेगा उसको तो जितना भी करंट है यहां से डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दी शंट तो सपोज हम ये कहते हैं कि सपोज गैल्वेनोमीटर को जो करंट मिल रहा है दैट इज योर आईजी आईजी आई इज दी करंट जो आपका जा रहा है गैल्वेनोमीटर के पास और यहाँ कितना बचेगा सपोज हम ये कर आपने कहा ये करंट अगर आपके पास आई फ्लो करा रहा था इस साइड को तो अगर आई जी को मिला तो एस को मिलेगा आई माइनस आई जी देखिएगा बच्चे ध्यान से समझिएगा इसको तो यहाँ अगर आई जी जा रहा है करंट तो आई में से आई जी आई माइनस आई जी पार्ट आपका शंट को मिलेगा अब देखिए ये कैसे कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है अगर पैरल कॉम्बिनेशन है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जी के पैरल कॉम्बिनेशन है तो यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस एस वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अब बाय दी ओम्स लॉ अगर हम पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल होता है टाइम्स ऑफ तो करंट अगर मैं एस तो आई इंटू आर यानी आई एस इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऑफ सपोज हम रेजिस्टेंस ऑफ शंट कह रहे हैं आर एस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ वहीं अगर मैं बात करूं वीजी की तो वी मतलब हो गया आपका आई जी इंटू सॉरी आई जी इंटू सॉरी सॉरी आर जी आर जी इस गेलवेनो मीटर का रेजिस्टेंस एंड आर एस योर आर एस क्या है आपका शंट का रेजिस्टेंस आई जी है गैलवेनो पे करंट फ्लो कितना हो रहा है आई एस है आपके पास शंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है तो अगर हम यहाँ से आई को चेंज करें तो आई को हम लिख सकते हैं आपका शंट को कितना करंट मिल रहा है ये मिल रहा है आपको आई माइनस आई जी टाइम्स ऑफ आर एस वहीं ये आप यहाँ को मिल रहा है आपका आर एस आई जी इंटू आर जी तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों दिखेगा आई आर एस माइनस आई जी आर एस इक्वल टू आई जी टाइम्स ऑफ आर एस तो अगर हम यहाँ से I निकालें अगर हम यहां से आई निकालें तो इसको अगर हम शिफ्ट करें इधर को देखिएगा बच्चों क्या बनेगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास आई जी आर एस प्लस आई जी आर यह आपका बेसिकली बच्चों यहां पे जी है ठीक है ये आपका जी है आर एस तो अगर आप यहां से करंट निकालें आई निकालें तो यहां से अगर आप आई जी कॉमन लें तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास देखिएगा और अगर हम यहाँ से आर भी कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से ज़बरदस्ती आर एस भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास आर जी अपॉन आर एस प्लस वन तो आर एस से आर एस कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा आई इक्वल टू आई जी टाइम्स ऑफ वन प्लस आर जी ओवर आर एस आर एस क्या है आपके पास एस का रजिस्टेंस आर है आपके पास गेलवनोमीटर का रजिस्टेंस और आई इज योर करंट गैलवनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आप करंट निकाल सकते हैं तो वहीं अगर आप दूसरी तरफ इस कॉम्बिनेशन को देखें इस वाली कॉम्बिनेशन को देखें एस और जी का जो कॉम्बिनेशन है पैरल कॉम्बिनेशन अगर हम इसके कॉम्बिनेशन को निकालें इसका अगर हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालें इसको मैं अगर इरेज कर दूँ आपके लिए इस कॉम्बिनेशन से अगर हम इक्वल रेजिस्टेंस निकालें तो आर इक्वलेंट जो हम कहेंगे दैट वुड बी आपका वन अपॉन आर एस प्लस वन अपॉन आर जी आर जी है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर एस है आपका एस का रेजिस्टेंस और आर इक्वलेंट जो आपका निकल के आएगा रेसिप्रोकल प्रोकुल करेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपके पास तो आपको एक्चुअल में चाहिए आर इक्वलेंट कम क्योंकि आर इक्वलेंट जितना कम होगा उतना अच्छा मीटर बनेगा क्योंकि तो अमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए यह हमने आपको पहले केस में बताया था कि जितना कम आपका अमीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना एक्यूरेटली आपका मेजर करेगा वो करंट तो आर इक्वलेंट आपका कम होना चाहिए तो आर इक्वलेंट कम कम होगा दिखेगा बच्चों आर इक्वलेंट तब कम होगा तब कम होगा जब आर एस आपका नियरली इक्वल टू जीरो हो किसके इक्वल हो नियरली इक्वल टू जीरो हो जितना कम आपका शंट का रेजिस्टेंस होगा एस एस का मतलब है शंट शंट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपका आर इक्वलेंट कम होगा तो अमीटर तो ये जो नेट कॉम्बिनेशन बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन ये बनेगा आपका अमीटर तो जिसके कारण आपका आर इक्वलेंट कम होगा ये भी आपका नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगा अब यही आर इक्वलेंट क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है जो कि क्या आएगा आपका नियरली इक्वल टू जीरो आएगा कब आएगा जब आपका शंट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्योंकि उतना करंट आपका डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दी शंट एस की तरफ को उतना करंट डाइवर्ट हो जाएगा और गैलवानो को कम करंट मिलेगा तो ये जो नेट कॉम्बिनेशन है आपका अमीटर बन जाएगा जब हम कनेक्ट करेंगे शंट को पैरेलल में विद दी गैलवान और शंट का क्या रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्ट क्या कम, होना चाहिए बहुत कम नियरली इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी आपका आई क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो आई जी ज़ीरो लाने के लिए तो आई तब ज़ीरो आएगा जब आपका आई सॉरी आपका आर एस जीरो होगा जितना करंट है इसके को डाइवर्ट हो जाएगा तो इसको मिलेगा आपका हाई करंट, इसको इसको मिलेगा सॉरी जीरो करंट गैल्वेनोमीटर को तो इसलिए हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपका गैल्वेनोमीटर टू अमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस बॉक्स विद द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये जो सेटअप है ये जो आपका के, दिस इस ये आपका बिहेव करेगा ऐसा अमीटर तो ये पूरा एक अमीटर बन गया आपका बच्चों ये जो आपके पास सेटअप था तो ये आपके पास अमीटर है तो अगर हम इसको लिखें डिफाइन करें अगर हम कैसे इसको समराइज़ करें तो इसको हम मिटाते हैं फिर आपको डिफाइन करवाते हैं अगर हम इस पूरे को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अ गेलवेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू अटर बाय कनेक्टिंग अ लो रजिस्टेंस इन पैरल विथ द गेलवेनोमीटर तो आ गेलवेनोमीटर मीटर कैन बी कन्वर्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू अटर इंटू अमीटर बाय कनेक्टिंग लो रजिस्टेंस आ लो रिजिस्टेंस एस विथ गेलवेनो मीटर विथ गैलवेनो मीटर तो वो जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये आपका बिहेव करेगा ऐसा अमीटर तो जैसे अगर हम समझें सपोज हमने कहा आर ए जो आपके पास इक्वलेंट है यह अमीटर बनने जा रहा है तो आप कैसे करेंगे एस मतलब जो शेंड का रेजिस्टेंस हो गया आपके पास एस का रेजिस्टेंस वन अपॉइंट एस गैलवानो का रेजिस्टेंस वन अपॉइंट जी आप ऐसे ऐड करेंगे तो जितना कम आपका एस होगा उतना ही कम आपका आर ए आएगा तो जितना कम जितना कम आपका एस होगा जितना नियर जीरो के नियरली इक्वल टू होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस क्या आएगा रेजिस्टेंस ऑफ मीटर कम आएगा तो ये ऐसा आइडियल अमीटर बिहेव करेगा आइडियल अमीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या है काफ़ी लो तो हालांकि प्रैक्टिकली आपका आइडियल मीटर होता नहीं है कुछ चीज तो ऐसा कुछ नहीं तो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता हाँ एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू तो हम उसके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं जो करंट आया था बच्चों दैट वॉज हमारा आई जो हमारा जो करंट जो हमें हमारा मिलेगा दैट इज योर आई टाइम्स ऑफ वन प्लस आर एस अपॉन आर अपॉन आर एस सॉरी आर अपॉन आर एस ये हमारा करंट आया था तो आई आर एस में हमने प्लस वन जोड़ देना है हमने इसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है हम गैल्वेनोमीटर के करंट से तो ये आपके पास एक फैक्टर है जो कि वन प्लस आर जी अपॉन आर एस वाला फैक्टर है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आई जी से आपको मिल जाएगा करंट जो करंट आया था बच्चों दैट वॉज हमारा आई जो हमारा जो करंट जो हम हमारा मिलेगा दैट इज योर आई जी टाइम्स ऑफ वन प्लस आर एस अपॉन आर जी अपॉन आर एस सॉरी आर जी अपॉन आर एस ये हमारा करंट आया था तो आई जी आर एस में हमने प्लस वन जोड़ देना है हमने इसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है हम के से। तो ये आपके पास एक फैक्टर है जो कि वन प्लस आर जी अपॉन आर एस वाला फैक्टर है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आई जी से आपको मिलने जाएगा करंट तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गेलवानोमीटर टू वोल्टमीटर तो कैसे आप गेलवेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें तो वोल्टमीटर का काम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना अक्रॉस द रजिस्टर ए सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो इसको हम समझते हैं पहले एक अच्छे से एग्जाम्पल से सपोज हमने कहा कि आपके पास ये रजिस्टर है दैट इज़ ऑफ योर फाइव फोम सपोज मैंने कहा आपके पास रजिस्टर है फाइव फोम का रजिस्टर है आपके पास इसमें ये आपका कनेक्टेड है विद द सप्लाई इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है फोर एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो अगर मैं इस आप इसमें मैं पूछूं अगर आप इसमें पोटेंशियल निकालें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालें इस रजिस्टर के अक्रॉस तो आप भी बोलेंगे बी इक्वल्स टू आई आर से अगर आप थोरेटिकली निकालें तो करंट है आपके पास फोर रजिस्टर है आपके पास फाइव तो पोटेंशियल जो इस रजिस्टर के अक्रॉस आएगा दैट वुड बी ऑफ ट्वेंटी वोल्ट तो अगर हमें इस ट्वेंटी वोल्ट को मेजर करना है अगर हम प्रैक्टिकली इसको मेजर करें तो हम क्या करेंगे इस रजिस्टर के अक्रॉस पैरल में एक वोल्ट मीटर लगा लेंगे

इस बार आपका वोल्टीमीटर का भी जो रेजिस्टेंस है ये भी आपके पास फाइव ओम है तो आपको करंट अभी भी आपका सपोज फोर एमपेयर फ्लो कर रहा है सर्किट में तो आपसे पूछा कि बताओ दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर हमसे बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस द रजिस्टर तो इस बार अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वी इक्वल्स टू आई आर से तो हम आर की जगह पर लिखेंगे आर इक्वल यानी जो आर इक्वलेंट आया इन दोनों की वजह से क्योंकि इस बार वोल्ट मीटर का भी खुद का रजिस्टेंस हमने है क्या रखा है काफ़ी हाई रे, आपका रजिस्टेंस है फाइव ओम के आसपास है तो इस बार हम जो आर इक्वलेंट लिखेंगे अगर हम इसको पैलल में एड करें तो आर इक्वलेंट आपका आ गया बच्चों यहाँ से वन अपॉन आर इक्वलेंट दैट वुड बी वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉइंट फाइव दैट वुड बी इक्वल टू टू अपॉन पॉइंट फाइव यानी कि आपके पास जो आर इक्वलेंट आएगा दैट वुड बी आपके पास जो आर इक्वलेंट आएगा बच्चों दिखेगा फाइव अपॉन पॉइंट टू यानी कि टू पॉइंट फाइव आपके पास जो आर इक्वलेंट आया दैट इस टू पॉइंट फाइव तो अगर हम यहाँ से वोल्टेज निकालो से तो रेजिस्टेंसिस्टेंट uh, का इस बार टेन वोल्ट का तो आपने फर्क देखा जब आपका वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं था इससे पहले आपका वोल्ट मीटर नहीं कनेक्टेड था इस टाइम पे जो आपका पोटेंशियल आया था जो आपने निकाला बाई दैट वॉस योर ट्वेंटी वोल्ट आपका ट्वेंटी वोल्ट आया अब वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो पोटेंशियल मेजर हुआ दैट वॉज टेन वोल्ट तो फर्क आ गया तो एक्चुअल रीडिंग एक्चुअल वोल्ट पोटेंशियल आपने मेजर करना ट्वेंटी वोल्ट आपको मिला टेन वोल्ट तो ये तो गलत रीडिंग दे रहा है इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर जो है आपका गलत रीडिंग दे रहा है क्योंकि गलत रीडिंग इसलिए निकल रही है क्योंकि इसका इस बार खुद का रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये इसके नेट आर इक्वलेंट पे फर्क डाल रहा है फर्क पड़ रहा है तो इसकी वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस में आपका वेरिएशन शो हो रहा है एक्चुअल वैल्यू थी आपकी ट्वेंटी वोल्ट रजिस्टर आपका वही था पाँच ओम का रजिस्टर था बैटरी आपके पास सेम थी 4 चार एम्प चार एम्पे का आपके पास करंट फ्लो कर रहा था रीज़न यह रहा कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल आपने जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया उसके पास भी रेजिस्टेंस था फाइव ओम का तो जिसकी वजह से इसके पोटेंशियल में वेरिएशन आ गया और इसने क्या शो करा आपको एक्चुअल पोटेंशियल ना शो करके दूसरे पोटेंशियल शो किया तो इसको हम कैसे ठीक करें इस, इस एरर को हम कैसे कर, आ, करेक्ट करें तो ये करेक्ट कैसे हो सकता है ये करेक्ट तब होगा बच्चों आपका जब इसका जो पोटेंशियल है इसका जो सॉरी इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का जो नेट इक्वलेंट है वो लगभग पांच ओम के आसपास आएगा इन दोनों का जो आर इक्वलेंट था यानी आर जो नेट था कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन आपका लगभग 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 आर के के बराबर लग भग लग भग भग बराबर आता है तो उस केस में आपको मिलेगा एग्जैक्ट पोटेंशियल क्योंकि जितना इसका आर इक्वलेंट आर के आसपास आएगा उतना आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल मिलेगा अब आपका इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी आर इक्वलेंट है वो फाइव के बराबर कब आ सकता है सोचिए क्योंकि ये जो हम हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में इसको हम जो ऐड कर रहे हैं तो एडिशन कर रहे हैं इनकम कर रहे हैं रेसिप्रोकल में तो यानी रेजिस्टेंस ऑफ फाइव ये आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर प्लस रेजिस्टेंस ये वाला आर वाला जो कि था आपका फाइव ओम का रजिस्टर था तो ये जो वैल्यू है यहाँ से वन अपॉन आर की वैल्यू वन अपॉन आर की वैल्यू नियरली इक्वल टू वन अपॉन फाइव आएगी जब या हम कह सकते हैं आर वुड भी नियरली इक्वल टू फाइव आएगा तो अब उस केस में आपको पोटेंशियल बीस वोल्ट मिलेगा और ये तभी हो सकता है जब आपका ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लगभग लगभग आपका टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ को यानी कि आर वी अगर इन्फिनिटी है तो देखिएगा बच्चों क्या सिचुएशन बनेगी अगर आपकी तो अगर आपका आर वी टेंस टू इंफिनिटी इन्फिनिटी की तरफ को टेंड कर रहा है तो आपको ये बनेगा यहां से अगर मैं आर वी इन्फिनिटी रखूं तो देखिएगा बच्चों तो वन अपॉन इन्फिनिटी करूंगा तो जीरो हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन आर तो वन अपॉन इन्फिटी आपका लगभग लगभग जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन आर जो है अपॉन जो आएगा बच्चों दैट वुड बी नियरली इक्वल टू अपॉन तो इस केस में आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल मिलेगा तो आपका वोल्टीमीटर जो है एग्जैक्ट पोटेंशियल मेजर कर सकता है उस केस में तो इसका मतलब है वोल्टी मीटर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जितना हायर रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा वोल्टीमीटर कहलाएगा दोबारा सुन लियेगा मेरी बात में क्या कह रहा हूँ जितना आपका हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का उतना अच्छा आपका क्या मेजर करेगा वो उतना अच्छा आपका वोल्टमीटर बनेगा क्योंकि जो आर इक्वलेंट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू दी आर आर इक्वलेंट जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू आर तो यहीं से हम डिफाइन करते हैं आइडियल वोल्टमीटर तो आइडियल वोल्टमीटर मीटर क्या है? एक बहुत 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 अच्छा वोल्टमीटर कब बनेगा जब आपका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए इन्फाइनेट हो जाए यानी बहुत हैवी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो अगर करंट को तो अगर बहुत हैवी रेजिस्टेंस देगा तो उस केस में हम कहेंगे ये कैसा बिहेव करेगा एज एन आइडियल वोल्टमीटर ये बिहेव करेगा तो आई होप सो ये पूरी कहानी से आपको समझ में आया हो कि वोल्ट के रेजिस्टेंस में हम कैसे क्या क्या हम धारणा दे सकते हैं उसके बारे में तो अगर हम इसको डिफाइन करें आइडियल वोल्ट को तो कैसे डिफाइन करें बच्चों देखिएगा तो आइडियल वोल्ट मीटर इस डिफाइंड एज इज डिफाइंड As the voltmeter, the voltmeter with the infinite resistance, with the infinite resistance, with the infinite resistance.

इसको हमने कनेक्ट किया है विद सप्लाई तो इसके अक्रॉस मुझे अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो हम क्या करेंगे हमें गैल्वेनोमीटर से मेजर कर अगर हमें गैल्वेनोमीटर से इसका पोटेंशियल मेजर करना है तो उसी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वोल्टमीटर में तो हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में इसके पैरेलल में लगा लेंगे गैल्वेनोमीटर ये तो आपका गैल्वेनोमीटर बन गया बच्चों ठीक है तो यहां से अगर करंट निकला सपोज यहां से आई करंट निकला तो अगर यहाँ से पास होगा करंट तो हमें गैलवेनो को देना पड़ेगा बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट क्योंकि तो मैंने आपको बताया अगर हम ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे गैलवानो से तो आपका गैलवेनो आपका फूक जाएगा या खराब हो जाएगा या जल जाएगा तो अगर मुझे गैलवेनो मीटर पर करंट कम पास करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अक्रॉस एक रजिस्टर लगा सकता हूँ तो गैलवेनो के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया एक के पास एक रजिस्टर लगा दिया इस रजिस्टर को मैं सपोज कह रहा हूँ एस जो रजिस्टर लगाया मैंने एस नाम का रजिस्टर लगा दिया तो यहां से अगर सपोज आई करंट निकला तो यहां अगर रजिस्टेंस को मिल रहा है आपके पास आई सपोज हम कह रहे हैं गेलवेनोमीटर को आपके पास जो करंट मिला दैट इज योर फॉर पे करंट और यहां मिलेगा आपको आई माइनस आई जी कैपिटल आई माइनस आई जी तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बच्चों वोल्टमीटर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें आपका रजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं गेलवेनोमीटर का इस कॉम्बिनेशन को गोमी और शंट को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वोल्टमीटर वहीं अगर मैं बात करूं आइडियल वोल्टमीटर मीटर यह आइडियल केस कब बनेगा आइडियल केस मतलब एक अच्छा वोल्टमीटर कब बनेगा एक अच्छा वोल्टमीटर तब बनेगा जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो ज्यादा हो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो ये गैल्वेनोमीटर और इस शंट का जो कॉम्बिनेशन है यह आपका वोल्टमीटर है यह आपका बना वोल्ट मीटर तो हम कह रहे हैं अगर हमने इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे अगर हम शंट का रेजिस्टेंस बढ़ा दें गैल्वेनोमीटर का आपका रेजिस्टेंस अगर मैं कह रहा हूं जी है अगर हम शंट का रेजिस्टेंस खूब ज्यादा बढ़ा दें तो आपके पास जो आर इक्वेलेंट आएगा आर इक्वलेंट इफेक्टिव आएगा ये भी आपके पास काफी ज्यादा रजिस्टेंस आएगा तो यही कहूंगा दिस इज द रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो आपको बन मिला तो इसका मतलब है जितना ज्यादा आपके पास शंट का रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा आपका वोल्ट मीटर बनेगा यानी उतना आइडियल बनेगा वोल्टमीटर तो आपको बेसिकली वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ये हमने पढ़ा ये लगभग लगभग इन्फिनिटी के आसपास होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और ये इन्फिनिटी कब हो सकता है जब आपका शंट आपका इन्फानिट रेजिस्टेंस को जब आपका शंट भी कहाँ को टेंट करे इन्फानिट को टेंट करे यानी इसकी वैल्यू भी लगभग लगभग क्या हो आपकी इन्फिनिटी के आसपास हो क्योंकि जितना बड़ा शंट होगा उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा शंट होगा एस का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ऊपर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एस कंपेयर टू नीचे वाला सर्किट तो नीचे वाले जो ये आर रेजिस्टेंस का आपका रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऊपर वाले में कम करेंट फ्लो करेगा करंट ज्यादा वहां फ्लो करेगा जहां रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम यहां होगा और जहां यहां ज़्यादा रेजिस्टेंस है ज्यादा रेजिस्टेंस अगर मैं कह रहा हूं इंफाइन कर दिया हम रेजिस्टेंस तो करंट बिल्कुल कम फ्लो करेगा मतलब आईजी आपका नियरली इक्वल टू जीरो तो आईजी आपका टेंड करेगा जीरो को और यही हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में आपका कम से कम करंट फ्लो करे तो अगर हम इसको रेट करें गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट फ्लो कब होगा जब आपका शंट अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर इक्वलेंट जो है यानी जो वोल्ट मीटर बन रहा है आपका उसका रेजिस्टेंस में आपका इनफानेट को टेंड करेगा अगर इन्फाइनेट को टेंड करेगा तो इसका मतलब है गैलवेनोमीटर पे मिलने वाला करंट आपका जीरो होगा कि करंट उस वहां फ्लो करना पसंद करेगा जहाँ करंट सॉरी जहाँ रेजिस्टेंस आपका कम होगा और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे गेलवेनोमीटर और शंट को अगर हम एस रजिस्टर को अगर हम क्या करें पैर आपके सीरीज में इस बार हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं आपका सीरीज में कनेक्ट करें तो ये जो डिवाइस मिला आपका देव बन जाएगा आपका वोल्टमीटर तो मीटर और सेंट बन जाएगा आपका वोल्टमीटर अब हमें निकालना है इसमें पोटेंशियल कितना वोल्टेज ये मेजर करेगा क्या कितना पोटेंशियल ये आपका मेजर करेगा तो पोटेंशियल हमें पता v इक्वल्स टू i टाइम्स ऑफ r करंट इन टू रेजिस्टेंस तो अगर मैं करंट की बात करूं तो इस वाले सर्किट में आपको जो करंट मिल रहा है दैट इज योर यी आई जी करंट मिल रहा है इसको और इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ शंट तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को सपोज मैं कह रहा हूं जी इज योर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एंड एस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ शंट एस इज योर शंट का रेजिस्टेंस तो हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से पोटेंशियल इसके हेल्प से तो वी हो जाएगा आपका आई जी टाइम्स ऑफ जी प्लस एस तो ऐसे हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस इस रजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं तो आई होप सो आपको कन्वर्जन ऑफ गैलवेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों समझ तो में आया तो वोल्ट मीटर में कंडीशन यह है कि आप जो शंट है वो आप कनेक्ट करते हैं सीरीज में जबकि अगर आपको अमीटर बनाना है तो आप शंट को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में वोल्टमीटर में, वोल्ट में आपके पास जो तो शंट होता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है लगभग बहुत इन्फिनिट रेजिस्टेंस होना चाहिए शंट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं गेलवेनोमीटर को वोल्टमीटर में वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ अगर आप अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो शंट आप लगाते हैं गेलवानोमीटर के साथ पैरल कॉम्बिनेशन में और शंट का रेजिस्टेंस होता है आपका काफ़ी कम तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस हाउ टू कन्वर्ट अ गेलवेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्ट एंड गेलवेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर तो मिलते हैं अब आपके लिए आज के लिए इतना ही था तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो पे तब तक पढ़ पढ़ाई करते रहें धन्यवाद